शुक्रवार को छठे पेज पर प्रातः क्लास चल रहा था, 1 मार्च 1968 की तारीख। बात चल रही थी पहले 3 लाइन में, लौकिक बाप, अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप। अलौकिक बाप से कोई वर्षा नहीं मिलता, वो तो न इस लोक का है न पारलोक का है। वो तो सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन कुछ होता थोड़ा ही है तो फिर वर्षा कहां से मिलेगा। दो ही बाप से वर्षा मिलता है, या तो जन्म जन्मांतर के जो लौकिक बाप हुए हैं उनसे वर्षा मिलता है, हद के बापों से हद का वर्षा, और फिर बेहद का बाप है आत्माओं का बाप, आत्माओं का कनेक्शन अनेक जन्मों से है, देह का कनेक्शन एक जन्म से, देह के बाप से एक जन्म का वर्षा, बेहद के बाप से अनेक जन्मों का वर्षा। तो ये अभी की बात है, बेहद का पारलौकिक बाप आया हुआ है। सभी बच्चों को कहा जाता है कि नहीं, इनके थ्रू नहीं, इनके अलौकिक बाप के थ्रू नहीं, या लौकिक बाप के थ्रू भी नहीं, भले बेहद का बाप लौकिक बाप भी है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसके द्वारा वर्षा मिलता है, परंतु देने वाला दाता कौन है। जो सदा दाता है कभी लेवता नहीं बनता, या कभी देवता भी नहीं बनता। तो किसके द्वारा देते हैं, मुकरर रथधारी के द्वारा देते हैं। जैसे हर आत्मा को शरीर रूपी रथ चाहिए, क्योंकि आत्मा तो निराकार होती है, शरीर 5 तत्वों का पुतला साकार होता है, तो ऐसे ही निराकार आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल को भी रथ चाहिए, 5 तत्वों का पुतला चाहिए। तो ये रथ है, और है भी पुराना, एकदम सड़ा हुआ, पुर्जा पुर्जा सड़ा हुआ है। तो ये बात भी क्लियर बताई देते हैं। क्योंकि ये रथ सबसे पुराना रथ है, ऐसे नहीं समझना ये कोई स्थूल रथ है, नहीं, ये जो 5 तत्व है ना, है वो तो स्थूल होते हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जिनसे ये शरीर बनता है, परंतु इनका सूक्ष्म रूप भी होता है, क्योंकि इनको भी देवता कहा जाता है, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता आदि आदि।
तो इन देवताओं का भी कोई बाप तो होगा ना। देवताएं क्या सदा देवताएं होती हैं? कि तभी दैत्य भी बनते हैं। हाँ, तो उन दैत्यों को, उन मनुष्यों को मनुष्य से देवता बनाना वो बेहद के बाप सुप्रीम सोल का काम है। और वो काम करते ही है मुकर्रर रथ के द्वारा। कल्प कल्प का मुकर्रर रथ है, सूक्ष्म शरीरधारी भी है, उससे जास्ती मनन चिंतन मंथन सूक्ष्म शरीर का और कोई कर भी नहीं सकता। बाकी जो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत आत्माएं होती है, उन भूतों का भी वो भूतनाथ कहा जाता है। भूतों का जो बाप है भूतनाथ है, वो भूतनाथ है। जो भूतों का नाथ कहा जाता है, नाक में नकेल डालने वाला नाथ कहते हैं ना, नथनी बैल को नाथ डाली जाती है ना। तो ये जानवरियत का बैल भी है, उनको क्या याद करना है। अरे उनको तो और ही खुद याद करना पड़ता है। जो मंदिरों में यादगार दिखाई जाती है, शिवलिंग और जलाधारी के बाहर नाली की ओर मुख करके बैठा हुआ है, तो खुद ही पतित है। उनको क्या याद करना है। क्योंकि वो ब्रह्मा नामधारी है, ब्रह्मा नामधारी को वो विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी तो नहीं समझते। वो तो उसे ब्रह्म ही समझते हैं। ये नहीं जानते हैं कि वो भी ब्रह्म माने बड़ा और मां माने मां। जो भारत में यादगार चली आती है, भारत में पुरुषों की एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं, पांच भी कर लेते हैं। तो वो उन ब्रह्मा नामधारियों को थोड़े ही समझते हैं, वो तो ब्रह्म भगवान को समझ लेते हैं। तुम उनको साफ साफ बताओ, अरे इस ब्रह्मा को हम बाबा, क्योंकि बूढ़ा है ना, तो बूढ़ा होने के नाते लौकिक बापा जो होता है ना, उस लौकिक बाबा से तो वर्षा मिलता है। और हम तो इसको वो भी नहीं समझते हैं कि लौकिक वर्षा देगा, लौकिक भी नहीं समझते हैं और पारलौकिक भी नहीं समझते हैं। क्योंकि इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। किनसे?
अरे बहुवचन में बोला ना तो कौन कौन। अरे केन से कोई वर्षा नहीं मिलता है। बताया ना ब्रह्मा की चार मुख, तो वो तो चारों दिशाओं में दिखाए गए ना है। अब चारों दिशाओं में क्या है, दुनिया ही तो फैली हुई है ना, तो बुद्धि दुनिया में धरी हुई है। दुनिया पतन की ओर जाती है, ये दुनिया ऊपर की ओर जाती है, पतन की ओर जाती है। कब तक? जब तक इस सृष्टि पर देवताओं का राज्य रहता है, या ऋषि मुनियों का राज्य रहता है, या मनुष्यों का राज्य रहता है, या राक्षसों का राज्य रहता है, जब तक वो सुप्रीम सोल बाप ना आवे, तब तक इन चारों ही ब्रह्मा नामधारियों से कोई वर्षा नहीं मिलता। चार मुख बने हुए हैं ना यादगार में, तू तो चित्र बना हुआ है, कोई न कोई चरित्र की यादगार है। कोई का मुख पूरब की ओर, कोई का मुख पश्चिमी सभ्यता की ओर, कोई का मुख दक्षिणी राक्षसी की ओर, कोई का मुख उत्तर की ओर। अब बाप कहते हैं इनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तो मिल ही उससे सकता है जिसके लिए बोला है परम ब्रह्म, उसके थ्रू ही वर्षा मिलता है। और वर्षा देने वाला भी शिव बाबा है, बेहद का बाबा है। शिव बाबा माने ही शिव निराकार सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप, प्लस बाबा। बाबा माने सारी मनुष्य सृष्टि का बाबा, जो भी जन्म जन्मांतर के लौकिक बाप हुए हैं उनका भी बाबा, और जो भी धर्म पिताएं हुए हैं उनका भी बाबा। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तो वो लौकिक बाप तो लौकिक हैं, और ये ब्रह्मा नामधारी चार मुखों का दिखाया है, ये तो बीच में दलाल है, चालाकी से चारों मुखों को संगठित करके अपने अंडर दी कंट्रोल कर रखा है। होशियारी दिखाई या सीधा साधा है, बड़ी होशियारी दिखाई। तो ये तो वैसे जैसे समझो जैसे बीच में दलाल है। क्या दलाल क्या करता है? दलाली अच्छी होती है क्या है? दलाली का काम तो बहुत खराब है। इधर से भी दलाली ले ली, उधर से भी दलाली ले ली, और खुद साहूकार बन के बैठ गए। अरे ये तो इस दुनिया के दलाल हैं जो भूत प्रेत बनते हैं है? हाँ ऐसे नहीं कि सब बनते हैं एक जैसे, है ना। तो ये खुद वर्षा लेने वाले हैं। किससे है? उसी से वर्षा लेने वाले हैं जिसको जन्म जन्मांतर पुकारते आए हैं, बुलाते आए हैं। तो बुलाने से आ गया क्या, आता है क्या? नहीं,
वो तो खुद आता है जब टाइम होता है, है? ये जो बाप के बापों के बाप बने बैठे हैं, धर्म पिताएं बने बैठे हैं, है? ये अपनी अपनी तिकड़म साफ भिरा लेते हैं और इनसे कोई से कुछ है सफलता के इनको अपनी योजनाओं में कोई सफलता नहीं मिलती। तब अंत में वो सुप्रीम सोल बाप आता है, इस मनुष्य सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है 500-700 करोड़ों सब का है, बाप में प्रवेश करता है और मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, है? तो उस मुकर्रर शरीरधारी के द्वारा मैं परम पिता परम पुरुष पार्ट बजाता हूं सुप्रीम सोल के रूप में, परंतु सोल तो निराकार है, वो तो कुछ नहीं कर सकती। जब तक मां का आधार न ले, पिता को आधार तो लेना पड़ता है ना, तो ये तो बापों का बाप है जिसका कोई बाप है ही नहीं। हाँ, तो इस मनुष्य सृष्टि के जो ऊंचे ते ऊंचे बाप है उसको ही आधार बना करके, है, बड़े ते बड़ी मां के रूप में उसे तैयार करके उसके द्वारा वर्षा देता हूं। बाकी और ये जो ब्रह्मा नामधारी हैं उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता, इसलिए इनकी पूजा भी नहीं होती है, इनके मंदिर भी नहीं बनते। हाँ, इनमें भी जो अव्वल नंबर है, द्वयम नंबर है, चलो थर्ड क्लास है, उनकी फिर भी पूजा हो जाती, लेकिन जो फोर्थ क्लास है उसकी तो कोई भी पूजा नहीं। क्या ये भी खुद है, जैसे हम योगी हैं, है? योग लगाने वाले जैसे हम हैं तैसे ये है, कोई फर्क नहीं है। ये भी स्टूडेंट हैं और ये भी स्टूडेंट हैं, हमारे जैसा स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट को स्टूडेंट से डरना नहीं है, परंतु तुम लोगों को जो थोड़ा रिगार्ड बैठा हुआ है ना, तो कुछ कह नहीं सकते हो। नहीं तो बाप कहते हैं ना, अरे ये कौन है, है? अरे ये जो भी ब्रह्मा नामधारी है ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में, यानी पूरा एकदम तमो प्रधान बन जाते, तब मैं आता हूं। तो इन तमो प्रधान मनुष्य आत्माओं से क्या वर्षा मिलेगा, और मिलता भी है तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा वर्षा मिलता है, वो भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार अल्पकाल का। अब ये बातें तो सब बच्चे जानते हैं। अभी बेहद के बाप से जो वर्षा मिलता है तो उसे बेहद के बाप से बुद्धि लगनी है, जो बुद्धिमानों की बुद्धि। क्या इस दुनिया में
बुद्धिमान के रूप में कौन पार्ट बजाता है? इस दुनिया में बुद्धिमान के रूप में वो आत्मा पार्ट बजाती है जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, जिसको शास्त्रों में भी नाम दिया है महादेव, जिसका अपना शरीर कभी सूक्ष्म रूप में वो शरीर कभी खलास होता है, कारण रूप में खलास होता है, कभी खलास नहीं होता। तो वो भी इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्यों के बीच में बेहद का बाप है, मनुष्यों का बाप, परंतु जो भी मनुष्य मात्र हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं, मनुष्य से नीचे गिर करके राक्षस बनते हैं, सुख भोगते भोगते कमजोरी तो आती है आत्मा में, तो आत्मा ये मनुष्य सृष्टि के बाप की भी कमजोर बनती है कि पावरफुल रहती है। आत्मा तो कमजोर बन जाती है, क्यों? क्योंकि काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पहला क्या। अरे कुंभकर्णों के बीच में रहेगा तो कुछ न कुछ कुछ तो सेंक लगेगा कि नहीं, कुंभकर्णों का सेंक है। चोर डकैतों के बीच में रहेगा तो चोरी डकैती के कुछ तो संस्कार आवेंगे या नहीं, हत्यारों के बीच में रहेगा, कसाईयों के बीच में रहेगा, अरे वो तो सबका बाप है ना, अच्छे से अच्छों का भी बाप है तो बुरे से बुरों का भी बाप है। तो बस अब समझ लेना चाहिए कि जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उस बाप से बुद्धि लेनी चाहिए। बुद्धि लेना मना मत लेना, श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत उस एक ही सुप्रीम सोल बाप की है, और कोई से भी बिल्कुल ही नहीं मिल सकती वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। उसको फिर नफरत नहीं कहा जाता है। बाप कहते हैं ना, बच्चे ये जो भी यहां हैं मनुष्य मात्र, उनसे कुछ भी नहीं मिलता है। मनुष्य मात्र मन, उनमें मनुष्यों का बाप भी आ जाता है कि नहीं? नहीं आता, उससे भी नहीं मिलना है। तो अभी तो वो भी बताया ना, कुछ भी हो, भले ये देवता है, कौन ये देवता है माना कौन, ये दागा लेखराज वाली आत्मा, भले ये कृष्ण देवता है, सोलह कला संपूर्ण बनता है सतयुग में, तो भी कलाबद्ध तो है ना, कलाओं में बंधा हुआ है या स्वतंत्र है? कलाओं में बंधा है। तो इनकी बैठ करके मत्था मारते, बाप से तो इनकी महिमा जास्ती कर देते हैं कि न की ये ब्रह्मा नामधारियों की महिमा जास्ती कर देते हैं। कलयुग अंत में आके क्या होता है, जहां जाओ वहां बड़े बड़े मेले मला खड़े लगते हैं, देवियों के लगते हैं कि नहीं? हाँ, क्या बोलेंगे? जय माता दी। भारत के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, शासन चलाने वाले शासनकर्ता,
वो भी क्या बोलते हैं, जय माता की। कौन सी माता की? भारत माता की जय हो। अरे भाई, इनके साथ बैठ करके मत्था मारते, उनकी महिमा बहुत जास्ती कर देते, बाप को तो जैसे भूल जाते। तो लौकिक संबंधियों से है, इनके पास बहुत जाकर के माथा टपरते हैं, है ना? अरे भला इनसे मिलेगा क्या है? ये तो इनमें जो इनकी जो आत्मा है ना, है अभी बाप समझाते हैं, इनकी जो आत्मा है किनकी, जो भी ब्रह्मा नामधारी है, वो अभी सबकी आत्मा तमो प्रधान बनी हुई है। और ये तमो प्रधान आत्मा है, बहुत बढ़ेंगे बहुत बढ़ेंगे तो भी क्या बन जाएंगे, नंबरवार देवता ही बनेंगे ना। हाँ, तो देवताएं तो सब नीचे की ओर जावेंगे, कलाएं कमती होती जावेंगी, सुख भोगते भोगते इस दुनिया में, या कलाएं भरपूर बनी रहेंगी, कमती होती जाएंगी। हाँ, ये कहेंगे कि ज्ञान सूर्य है, शिव बाप के जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, जो पहले इस सृष्टि पर आए हैं, जिनकी आयु बहुत लंबी चौड़ी है, पूरे 84 जन्म लिए हैं, तो जिन्होंने लिए हैं कोई तो होंगे ना, हाँ, और उनमें भी कोई तो शुरुआत का नंबर वन है, पहला पहला होगा ना, एकदम शुरुआत में, तो वो सभी इस समय में तमो प्रधान है। जो सूर्यवंशी बने थे वो भी क्या है, तमो प्रधान, रजो प्रधान या सतो प्रधान, एकदम तमो प्रधान। ऊंचे थे ऊंचा फट से जब श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, तो बच्चे पूछते हैं, बाबा ये श्री कृष्ण के लिए फिर क्यों कहते हैं? है? तो बाबा बोलते हैं, ये श्री कृष्ण ही है सबसे ऊंचा है, नारायण नामधारियों से भी ऊंचा है। क्यों? नारायण तो बड़ा होता है तो वह नारायण नाम पड़ता है, और कृष्ण, कृष्ण तो छोटा बच्चा होता है। दुनिया में भी तो बच्चों को महात्मा कहते हैं ना, है? तो नारायण नामधारियों से भी एक कृष्ण ऊंचा है, इसलिए इसको कहते हैं श्री कृष्ण। बाबा समझाते हैं ना कि नारायण तो फिर भी शादी किया हुआ है, है? कौन सा नारायण? कोई भी नंबर का नारायण हो, पीढ़ी तो चलती है ना, राजाओं की पीढ़ी चली है ना, तो नारायण भी तो राजा हुआ है ना, तो बताया शादी किया हुआ है, युगल बन गया ना, युगल बन गया, और कोई 25 वर्ष का ही हो गया, और वो जन्म तो लेते हैं ना एकदम एकदम, उनको मां के पेट से ही जन्म मिलता है ना, जन्म मिलता है तो एकदम जन्म से ही उनको वो पवित्र ता जो होती है, वो कुछ न कुछ संग के रंग से गढ़ती जाती है,
शादी नहीं होती है तो पवित्र रहते हैं, और शादी होने के बाद सुख भोगना शुरू किया और घटती कला आ जाती है। तो जरूर उनको सुप्रीम बाप तो नहीं कहेंगे, हाँ बचपना है, बच्चा बुद्धि है। तो कृष्ण की इसलिए महिमा है क्योंकि विकारों की बात बचपन में नहीं होती है, बुद्धि में। तो देखो ये लक्ष्मी नारायण से भी वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा ज्यादा है। कौन से लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया है? बाबा के पीछे चित्र रहता था लक्ष्मी नारायण का, उसकी तरफ इशारा करते थे कि ये लक्ष्मी नारायण से भी वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा जास्ती। कौन सा लक्ष्मी नारायण? अरे लक्ष्मी नारायण तो टाइटल है ना, जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी वो टाइटल चलता है। तो किस नारायण की तरफ इशारा किया होगा? आदि लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, सतयुग की तरफ इशारा किया। भले ये आदि लक्ष्मी नारायण भी हैं, तो एकदम बड़े हो गए क्या कि पहले बच्चा बाप की गोद में खेलता है, माता की गोद में खेलता है या नहीं खेलता है? तो वो माता पिता के रूप में पार्ट बनाने वाली आत्मा एक व्यक्तित्व है या दो अलग अलग अलग? अरे क्या है, लिख के बताओ, ऐसे से सारे से तो उल्टा पलटा हो जाता है। जरूर कहेंगे एक व्यक्तित्व है जिसके लिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक थे। शिव के मंदिर में आज भी जाते हैं ना, तो शिवलिंग के सामने खड़े होके क्या कहते हैं? तुम हमारे माता भी हो, तुम हमारे पिता भी हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो एक रूप जो शिव बाप मुकर रथधारी में प्रवेश करते हैं, हाँ? पिता भी है तो माता भी है, और उसमें परम पिता पार्ट बजाते हैं जिनका कोई पिता नहीं। कोई तो बच्चा पहला पैदा होता है ना बाप का, जिस बाप का कोई बाप नहीं उसका पहला बच्चा, उसका नाम क्या होगा? अरे सूर्य का पहला बच्चा होगा तो क्या होगा? सूर्य होगा, माना बड़ा विवस्वत होगा। गीता में लिखा हुआ है मैंने विवस्वत को ज्ञान दिया। अब ज्ञान बुद्धि में बच्चे को बैठेगा या बड़े आदमी को बैठेगा? पूरी गहराई से ज्ञान बच्चा समझता है या बड़ा समझता है? बालिग शगीर बुद्धि समझेगा, शगीर बुद्धि ही समझेगा। और शगीर एकदम हो जाता है क्या है? पहले तो जरूर बच्चा बुद्धि होगा ना। तो जब बच्चा बुद्धि है तो मेरी गोद में खेलता है क्या? दो की गोद में खेलता है या एक की गोद में खेलता है? हाँ वो एक ही है जिसे शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। शिवलिंग का मतलब यह है कि शिव निराकार है। निराकार को लिंग कहां से आया?
तो जिस मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं लिंगधारी में, उसकी यादगार बनाई हुई है लिंग रूप, उसके सामने जाके कहते हैं तुम माता पिता हम बालक थे। तो जिसके सामने कहते हैं वो पहले बच्चा बुद्धि होगा या शुरुआत से ही बाप होगा। वो शरीरधारी तो पहले अल्प बुद्धि होता है, इसलिए उस शरीरधारी के लिए शास्त्रों में शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। उस तीसरे नेत्र की रहबरी में वो आत्मा स्थूल नेत्र वालों वाली आत्मा पलती है या नहीं पलती है, खेलती है या नहीं खेलती है, ज्ञान रत्नों से खेलती है। तो बताया ये जब सालम बुद्धि बने तब कुछ ज्ञान की गहराइयों को समझे। बड़ी बड़ी गहराई क्या समझनी है पहले, बड़ी बड़ी गहराई ये नहीं पूरी है कि मैं आत्मा हूं ज्योतिबिंदु, नहीं, इसमें गहरी बात यह है मैं आत्मा कौन सा ज्योतिबिंदु हूं, हु एम आई, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा पार्ट क्या है। इस बात को पहचानने वाली जो पहली पहली आत्मा है सुप्रीम सोल बाप का बच्चा, जिसे कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता, जिस मुकर्रर रथधारी में वो सुप्रीम सोल बाप आते हैं, तो पहले पहले उनको पता चलता है क्या कि मैं आत्मा कौन हूं, अनुभव होता है क्या कौन हूं, क्या अनुभव होता है, अरे क्या पक्का निश्चय होता है, कुछ नहीं, पक्का निश्चय ये होता है कि जो बापों का बाप है बिंदु, बिंदु तो सब आत्मा है, वो पहली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप कही जाती है उसको ये निश्चय होता है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बाप हूं। क्या इस मनुष्य सृष्टि में जो मन वाले बुद्धि वाले मनुष्य हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उन सब में ऊंचते ऊंच मन और ऊंचते ऊंच बुद्धि वाली इस मनुष्य सृष्टि की रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली मैं आत्मा। हाँ। तो उस बच्चे को बाप पहले पहले अपनी गोद में झुलाते हैं। माता पिता बच्चे को गोद में झुलाते हैं कि नहीं झुलाते हैं, झुलाते हैं। तो तुम झूलते हो, देखो ये जानते हो कि हाँ हम झूलते हैं। झूला क्या करता है, कभी एकदम ऊंची कभी एकदम नीचे, और कभी एकदम दाएं तो एकदम बाएं, कोई अब भी कभी एकदम आगे तो कभी एकदम पीछे, ऐसे झुलाती कौन है। झुलाने वाली कौन है, माताएं बच्चे को ज्यादा झुलाती है या बाप झुलाता है, कौन झुलाती है, माताएं झुलाती है ना। हाँ, तो वो ही माता है परम ब्रह्म, परम ब्रह्म जो माता है उसी को कहा जाता है। क्या माता भी है तो फिर पिता भी है, झूलते हो क्योंकि उसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश है ना, तो वो नहीं जानते हैं विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी वगैरह या कोई भी धर्म पिता है। झुलाते हो तो भी श्री कृष्ण को, कौन से श्री कृष्ण को,
कलाबद्ध श्री कृष्ण को, जो कलातीत बनता है अति इंद्रिय सुख भोगने वाला, इंद्रियों का बंधा हुआ सुख है, ये इंद्रियों से पार परे जाने वाला सुख, इंद्रियातीत सुख, तो उसकी जन्माष्टमी भी तुम श्री कृष्ण की मनाते हो। अष्टमी क्यों मनाते, पहले नंबर में क्यों नहीं मनाते, दूसरे नंबर की बनाओ, दूज मनाओ, तीज मनाओ, चौथी मनाओ, पंचमी मनाओ, षष्ठी मनाओ, सप्तमी मनाओ, वो भी नहीं, सबसे लास्ट नंबर दिया, क्यों? छुपा रुस्तम बाद में खुले, ऐसे ही दिखाया है कि ब्रह्मा से चार बड़े पुत्र पहले पहले पैदा हुए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, सबसे छोटे सनत कुमार, और बाकी फिर उससे बड़े, तो कौन संसार के सामने बड़े से बड़े धर्म पिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि धर्म पिताओं के नाम पर ही धर्म का नाम पड़ता है, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, तो ऐसे ही जो पुराने से पुराना कहा जाने वाला सनातन धर्म है, उसका बाप कौन होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, सनत कुमार, परंतु वो अपने को पहले प्रत्यक्ष करता है या दूसरों को पहले प्रत्यक्ष करता है, अपने से पहले जो बड़े भाई हैं सनत, सनातन, सनंदन, उनके पार्ट को प्रत्यक्ष कर देता है या अपने पार्ट पहले प्रत्यक्ष करता है, उनके पार्ट को पहले प्रत्यक्ष करता है, कि भाई ये हैं तीन भाई, कौन तीन भाई, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में पार्ट बजाने वाले, तो ऐसे ही जो कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं, इससे साबित होता है कि कोई सात आत्माएं और भी हैं जो सप्त ऋषियों के रूप में है आज भी मानी जाती हैं, बड़े विद्वान माने जाते हैं, वो तो इस कलयुग की द्वैतवादी दुनिया की बात है, परंतु वही विद्वान जब नई दुनिया थी सतयुग त्रेता की, तो उसमें सात नारायण के रूप में पहले पहले प्रत्यक्ष होते हैं ना, कहां जब बाप आते हैं तो वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं, क्यों बाप उनको क्यों पहले प्रत्यक्ष करता है, जिस बच्चे को गोद में लेता है, गोद में खिलाता है, झूला झुलाता है, उसको क्यों नहीं प्रत्यक्ष करता है? कारण, अरे वो साथ अपने को अपने आप ही प्रत्यक्ष कर देते हैं, क्या हाँ, जो बाई ओर के धर्म है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में, वो पहले पहले अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, यही तो मुख्य धर्म है ना द्वैतवादी दुनिया की, तो उनके बाप इस दुनिया में पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट पहले प्रत्यक्ष हैं, परंतु देवी देवता सनातन धर्म का बाप कौन है, वो प्रत्यक्ष रहता है इस द्वैतवादी दुनिया में या गुप्त रहता है, क्या रहता है, हा? क्या रहता है, गुप्त रहता है ना, हाँ, तो कारण क्या है कि जो बाई ओर के वाम मार्गी हैं,
वाम मार्ग माने गंदा काम करने वाला बायां हाथ के, कचरा साफ करता है ना, गंदगी साफ करता है। लेकिन होने के संग के रंग में जो दाईं ओर की वृक्ष की डालियां हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, वो भी उनके संग के रंग से प्रभावित होती हैं और अपने को कुछ न कुछ प्रत्यक्ष कर देती है, वो भी प्रत्यक्ष हो जाती। बाकी उनके अंदर अपनी तमन्ना रहती है कि हम अपने को प्रत्यक्ष करें, नंबरवार पुरुषार्थम से। तो बाप कहते हैं जो अपन को गुप्त करे है और बाप को प्रत्यक्ष करे। सूर्य उदय होता है तो दिन में सितारे आसमान में नहीं होते क्या? नहीं होते। अरे होते तो हैं, लेकिन वो अपने प्रभाव को गुप्त रखते। हाँ, कोई सितारे ऐसे भी होते हैं जो दिन में सवेरे सवेरे भी दिखाई पड़ते हैं, नहीं? जैसे शुक्र तारा है, दिन निकल आता है तो भी दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ, दिखाई पड़ता है। जैसे सवेरे सवेरे अमृत वेले ध्रुव तारा है, तो वो रात में होता है या दिन में होता है, कब दिखाई पड़ता है? रात में दिखाई पड़ता है, दिन में दिखाई नहीं पड़ता। तो एक ही सितारा ऐसा है, आत्मा रूपी सितारा, जिस सितारे के ऊपर चारों ओर सारे ही सितारे घूमते हैं, चक्कर काटते हैं। सबसे नजदीक से नजदीक सात सितारे दिखाए जाते हैं। सप्तऋषियों की आत्माएं हैं। कौन सी आत्माएं? सात आत्माएं। तो वो तो नजदीक है तो जल्दी चक्कर लगाई लेती है, बाप के पास जल्दी पहुंचेंगी या देर से पहुंचेंगी? तो वो जल्दी पहुंच जाते, वो पहले प्रत्यक्ष हो जाते। और बाकी तो फिर बहुत दूर दूर हैं, उनका तो चक्कर काटते रहते हैं, नजदीक फिर भी नहीं पहुंचते। तो बताया कि वो जो सात सितारे हैं वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं और बाकी और भी सितारे इस दुनिया में हैं वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं। बाकी जो उन सात में भी अंतिम नंबर जिसका कहा जाता है आठवां सितारा, वो है श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण की अष्टमी मनाई जाती है। तो भला क्यों मनाई जाती है? इसकी क्यों नहीं ब्रह्मा की? हाँ, इनका भी तो कुछ होना चाहिए ना, ब्रह्मा का, दादा लेखराज का। गायन है, नारायण बनता है नर, और लक्ष्मी नारी बनती है, तो लक्ष्मी नारायण का गायन होना चाहिए ना। परंतु देखो विष्णु का होना चाहिए, तो जाओ विष्णु को भी छोड़ करके, लक्ष्मी नारायण को भी छोड़ करके, फिर कृष्ण के पीछे जाओ। अभी तो देखो लक्ष्मी नारायण का असली का ज्ञान न होने के कारण कि ये कृष्ण है, उन विचारों को द्वापर में ले गए। सो भी गीता सुनाने के लिए ले गए है, और कहते हैं कि स्वर्ग का है, वैकुंठ का वासी है। अरे वैकुंठ किसे कहा जाता है? वैकुंठ तो अतीन्द्रिय सुख का धाम है। कौन सा धाम है? कलाबद्ध है या कलाओं से अतीत है? कलाओं से अतीत का सुख भोगने वाला धाम है। तो जब से जब वो गिरते हैं तो खुद हां आत्मा जिस समय से गिरते हैं उस समय ये बोलते हैं
उस समय में गिरते गिरते वो ज्ञान देने लगते हैं अपने को ऊंचा साबित करने के लिए, ज्ञान देते हैं। तो देखो कितना फर्क हो जाता है एकदम। तो अभी ये समझाना है, और है ये समझाना बड़ा कठिन, बहुत मेहनत लगती है समझाने में, क्योंकि भला नंबर वार ही कहो, ये आगे जन्म में क्या थे वो तो कोई नहीं जानते, परंतु कहते तो है ना, अरे ये तो भक्ति देवताओं की परंपरा से चली आ रही है भाई, परंपरा से हम रावण के राज्य में आए हैं, है? परंपरा से ये जो भी देवताएं हैं खास परंपरा से, अभी कब से परंपरा से कहें, है? इस परंपरा की बात तो कोई भी नहीं जानती क्या है। असली बात क्या है कि बाप जब आते हैं, बापों का बाप सुप्रीम सोल, तो इस दानी दुनिया की सारी अच्छी से अच्छी परंपराएं डालते हैं। बाकी बात जो भी और बापधारी बाप नामधारी बनते हैं तो उनकी भी कुछ न कुछ महिमा होगी या नहीं होगी। हाँ नंबर वार। तो ये पूजा उनकी कब शुरू हुई है, किनकी? नंबर वार बाप नामधारियों की। भला ये जो स्वर्ग में थे ये इनका क्या स्वर्ग में ही है इन्होंने शरीर छोड़ा? अरे शरीर तो छोड़ते हैं ना, पुराना शरीर, शरीर रूपी कपड़ा बदलते हैं। तो जब पुराना शरीर रूपी कपड़ा बदलते हैं तो दूसरा शरीर लेते हैं। तो शरीर तो छोड़ा ना जन्म जन्मांतर, तो उनका चित्र बनाते आते हैं, जिनका चित्र मिला उनका बनाते आते हैं। जैसे यहां करते हैं शरीर छोड़ते हैं तो उनका फोटो खींच लेते हैं, चित्र बनाते हैं। तो अब समझा ना, देखो सबका फोटो निकालते हैं शरीरधारियों का, कोई वो नहीं बनाते हैं क्या? वो माने कौन? वो कृष्ण का नहीं बनाते हैं जो कला अतीत पार्ट बजाने वाला था, है? कलाबद्ध नहीं है, अतीन्द्रिय सुख का पार्ट बजाने वाला, इंद्रियों को जिसने पूरा ही जीत लिया, पूरा ही कंट्रोल कर लिया, है? तो बताया कोई वो नहीं बनाते, कलाबद्ध का फोटो बनाते हैं या कलातीत का फोटो बनाते हैं? कलाबद्ध का फोटो बनाते हैं। तो बच्चों को तो मालूम ही नहीं है कि द्वापर कब से या कब से ये भक्ति मार्ग शुरू हुआ। दो दो बातें सुनाने वाला, दो से चार, चार से आठ मत मतांतर बढ़ाने वाला भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ, कब से आए ये विकार? तो ये तो कोई भी नहीं जानते हैं बच्ची, इसलिए तो वो बेचारे भी हैं जो जानते हैं। हम तो भाई श्रेष्ठ के आदि मंद को भी जानते नहीं हैं। कौन? ऋषि मुनि सन्यासी कहते आए ना, शास्त्रों में ही लिखा हुआ, लेति नेत हम इसे के अंत को नहीं जानते। हाँ कह देते हैं परंपरा,
तो परंपरा तो माना शुरुआत से परंपरा पड़ी होगी ना। हर एक चीज के लिए ऐसे कह देते हैं परंपरा। हाँ, जब भी लक्ष्मी नारायण का राज्य था तभी ये रावण का भी चित्र था। अरे था कब? कौन से लक्ष्मी नारायण की बात है? भी क्यों लगाया? हाँ, जब बाप आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर, उस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो आदि नारायण का राज्य था, तब ये रावण का भी चित्र था। तो परंपरा माना ही रावण का चित्र था। हाँ, तो उनसे कब? कभी भी बता नहीं सकेंगे। हिस्ट्री तो नहीं बता सकते। जैसे मनुष्यों के पास 2500 साल की हिस्ट्री है ना, तो वो हिस्ट्री में तिथि तारीख बताते हैं, वो तिथि तारीख तो बता ही नहीं सकते। बस कह देंगे हाँ परंपरा से चला आ रहा है, परंपरा से ये कृष्ण के मंदिर बनाए हैं जिनमें बच्चे के रूप में कृष्ण को दिखाया है, परंपरा से ये राम के चित्र बनाए हैं जिनमें राम को बड़े रूप में दिखाया है, धनुष बाण लिए हुए। अच्छा, अब परंपरा भला लाखों वर्ष कह देती है, युगों को परंपरा कह देते हैं, तो वो बेचारे कोई तिथि तारीख थोड़े ही जानते हैं। जानते होते तो इतनी लंबी आयु क्यों दे देते जो कोई कुछ पूछे ही नहीं। अरे भाई, लाखों वर्ष की सृष्टि है तो कोई क्या बता देगा। तो देखो, और तो सबकी तिथि तारीख जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? हाँ। अच्छा, परंपरा श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख अच्छी तरह से जानते हैं, जन्माष्टमी। परंतु कौन से कृष्ण की जन्माष्टमी? कलाबद्ध कृष्ण की जन्माष्टमी या कलातीत कृष्ण की जन्माष्टमी, किसकी मनाते हैं? मनाते किसकी है? बद्ध या मुक्त है? अरे बद्ध है, जो कलाओं में बंधा हुआ है उसकी मनाते हैं। अभी इनकी नहीं जानते हैं कुछ भी, किनकी तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, इनकी कुछ भी नहीं जानते। ओम शांति।